शीला माता का मंदिर जो जयपुर का फेमस टूरिस्ट प्लेस है और ये तो सभी को पता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली वाली निकी। और आज हम जा रहे हैं जयपुर के शीला माता के मंदिर जो कि आमेर में है, आमेर फोर्ट के अंदर ये आता है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। जितने भी टूरिस्ट हैं ये यहाँ पे ज़रूर आते हैं और अगर आप जयपुर आए हैं तो इनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जयपुर में माँ के आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए यहाँ आकर के। तो चलिए चलते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और ये हमें बीच में आमेर फोर्ट देखने के लिए मिला, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था आमेर फोर्ट। और ये बाहर का बाहरी हिस्सा है आमेर फोर्ट का, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और आपको एक और बात बता दूँ कि शीला माता जाने के लिए आपको आमेर फोर्ट के पास ही इधर ही से जीप वगैरह जाती है जो 500 रुपीज़ लेते हैं ऊपर जाने के लिए चढ़ाई पे, और वहाँ पे 8% या 9% वो लोग बिठाते हैं, तो आप जीप के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। और कुछ लोग पैदल भी जाते हैं वैसे, बट वैसे ज़्यादातर लोग जीप से ही जाते हैं, तो आप जीप का यूज़ भी यहाँ से कर सकते हैं जो यहीं से आपको मिलेगा ऊपर के लिए। ऊपर आ गए हैं और आमेर में, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ है, मतलब ऊंचाई पे आकर के तो ऐसा लग रहा है सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फोर्ट्स भी हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सामने बहुत सारे फोर्ट्स भी हैं जो दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू था रियली में, बहुत मज़ा आया मुझे तो। शीला माता का टेम्पल जो जयपुर का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही, साथ ही देवी दुर्गा को डेडिकेटेड भी है और ये आमेर किले के अंदर आता है। और आपको एक और बात बता दूँ कि एंशियंट टाइम पे महाराजा मानसिंह जो है थे वो यहाँ पे शीला माता को जैसोर से, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ से लेकर के यहाँ पे उन्होंने लाए थे और उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। और आपको इसके पीछे की एक और कहानी बता दूं, जो राजा मानसिंह थे उनके सपने में शीला माता आई थी और उन्होंने आकर के कहा था कि उनकी मूर्ति जो है, जो कि जैसोर के समुद्र में जो बांग्लादेश का हिस्सा है वहाँ पे तैर रही है, और माता ने कहा था कि वो उनकी मूर्ति को वहाँ से लेकर के आए और एक मंदिर में स्थापित करें। और वही महाराजा ने फिर उन्हीं के आदेश से ये मंदिर बनाया और यहाँ पर माता को स्थापित किया। इसके पीछे की कहानी ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता थी और ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट भी नहीं रखते एशियन टाइम की चीज़ें जानने में, बट हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी और लोगों को जानना ज़रूर चाहिए। और ये हम आ गए माता के दरबार माँ के दर्शन करने, और बहुत अच्छे दर्शन भी हुए, हमने दर्शन भी किए। और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस वगैरह यहाँ पर थे, तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते थे, मना है यहाँ पर। और अच्छी बात है, दर्शन भी करने चाहिए अच्छे से, फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिक कर लिया था, बट बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए माँ के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ से निकलने के बाद। और आप देख सकते हैं ये ऊपर से आमेर के लिए रास्ता गया है, यहाँ पे आमेर फोर्ट है, यहाँ पे टिकट लगती है आमेर फोर्ट जाने के लिए, और बहुत अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। मेरे पास तो टाइम नहीं था तो हम लोग सिर्फ शीला माता के दर्शन हम लोगों ने किए, और आप यहाँ पर आमेर भी आ सकते हैं।
और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास फोर्ट्स हैं, जयगढ़ फोर्ट्स, नाहरगढ़ फोर्ट्स, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और आप, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि अगर आमेर आए हैं तो शीला माता के ज़रूर दर्शन करें। और यहाँ पे लंगर भी मिलता है और दर्शन करने के भी अलग अलग टाइमिंग है। यहाँ पे दर्शन सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक होता है, फिर शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक होता है। तो यहाँ पे दर्शन की भी टाइमिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा गिटार ये बजा रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये जो धुन बजा रहे थे। और हमने बहुत अच्छे यहाँ पे दर्शन किए। रात्रि में यहाँ मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटनिंग की जाती है, चारों तरफ से जगमग जगमग करता रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस मंदिर को बनने में पूरे 10 साल लग गए थे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।